रघुवर दास ने राज्यपाल बनाए जाने के केंद्र के फैसले को निचले स्तर के कार्यकर्ता को मिला बड़ा सम्मान बताया, जिनसे खास बातचीत की हमारे जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात ने। के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया, संवैधानिक पद दिया गया है, तो हम उनसे जान लेते हैं। सर, बहुत बड़ा पद आपको दिया गया। सर, आप एक मजदूर का बेटा, एक मंडल अध्यक्ष तक यहाँ तक पहुँचे, क्या कहेंगे, किसको? नहीं, देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करते हुए शिखर तक जा सकता है। और एक मजदूर आज देश का उड़ीसा जैसे राज्य का संवैधानिक पद देने का काम, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मंत्र है टीम इंडिया, संघीय ढांचे, राज्य और केंद्र मिलकर हम राज्य का विकास करें और देश का भी विकास करें, तो इस मंत्र के साथ मैं अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करूंगा। सर, आप उड़ीसा कई बार गए हैं दर्शन करने के, बाबा का कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिला? नहीं, निश्चित रूप से मैं लगातार पूर्व में मुख्यमंत्री बनने के पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ बाबा का दर्शन करने हम लोग गए थे, उसके बाद बिजी होने के बाद नहीं जा पाए। भौगोलिक स्थिति सेम है, कैसे विकास करेंगे आपने कहा? नहीं, देखिए, उड़ीसा भी प्रचुर खनिज संपदा है और विगत कई वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में उड़ीसा में विकास के काम हो रहे हैं, तो उस विकास की गति को और तेजी मिले, उस विकास में साथ में भागीदारी होकर उड़ीसा को विकास की नई ऊंचाई में ले जाना। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में अभी उड़ीसा के राज्यपाल होने जा रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि दोनों राज्य के मुख्यमंत्री जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर नई ऊंचाई तक पहुँचाएंगे। सहयोगियों के साथ प्रभात जो भारत जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो